वालों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया जाता है कि कृपया जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकले, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा यहाँ सत्संग का कार्य है और हमारे सेवा का कार्य चल रहा है, प्लीज हमारे कार्य में कब्जा मत बनाइए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज बंद करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप गैर कानूनी तौर से हमारे यहाँ नहीं आ सकते, आप गलत काम कर रहे हैं, हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, हम और भी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संगियों ने पथराव किया पुलिस पे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, क्या अल्टीमेटम आपने दिया बिल्कुल? देखिए रेवेन्यू विभाग के द्वारा यहाँ पर चक्रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहां पर उपस्थित हुआ था। यहां पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहां पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। कई बार पथराव हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? कितने पुलिसकर्मी घायल हुए अब तक? कई बार पथराव हुआ है? देखिए अभी इसकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कोई बहुत सीवियर चोट किसी को नहीं है, कोई सीवियर इंजरी नहीं है, जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए।